शाहजहांपुर में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हर पार्टी जोरों शोरों से अपना प्रचार कर रही है और लगातार लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश। ठीक इसी कोशिश में लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी से संदीप शुक्ला, जिन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अपनी काबिलियत बताते हुए हर प्रत्याशी जनता का सपोर्ट मांग रहा है। सिर्फ बड़ी पार्टियां ही नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना पूरा दमखम लगाकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सुल्तानपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं संदीप शुक्ला, जिन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी की काबिलियत बताई बल्कि सत्ताधारी पार्टी को ना जाने क्या क्या कह दिया। यहाँ पूर्व मंत्री संदीप शुक्ला ने नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए पहले तो नॉमिनेशन किया, इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। प्रत्याशी संदीप ने भाजपा को वादे भूलने वाली और झूठ बोलने वाली पार्टी करार दे दिया। वहीं इसके बाद संदीप ने ये भी कहा कि जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां वहां किए गए हर वादे को पूरा किया गया है। संदीप ने यहां हर वर्ग के लिए काम करने की बात कही और ये भी कहा कि सबसे ज्यादा काम तो छोटे व्यापारियों के लिए किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए संदीप ने बुलडोजर का भी जिक्र किया और कहा कि पिछले 5-10 सालों से जनता को सिर्फ बुलडोजर दिखाकर डराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कभी आपने यहाँ की जनता ने कोई मौका नहीं दिया या कही कि अब हम आए हैं। आम आदमी पार्टी जहाँ भी रही है बुलने वाली पार्टी नहीं है। आप देखें, इसका मॉडल ही ऐसा है कि ये करने पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी भूलने वाली, झूठ बोलने वाली पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो काम करने वाली पार्टी है। इनके लोग तो दिन भर काम ही करते हैं और कुछ करते ही नहीं। दिल्ली में आप देखें, पंजाब में देखें, जहाँ भी सरकारें आई आम आदमी पार्टी की, वहाँ काम करने पर विश्वास किया गया और जो कहा गया पूरा किया गया। आप पता कर सकते हैं, दिल्ली में किया और पंजाब में जब गए तो अभी वहाँ पर आते ही 3 महीने के अंदर चीज़ें सारी लागू कर दी गई। जो वहाँ पर बिजली की दरों की बात की, आप देखिए मार्च अप्रैल में चुनाव हुए और जुलाई से सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ लागू कर दी पंजाब में भी। तो झूठ बोलने का यहाँ काम ही नहीं, जो चीज़ हम कहेंगे वो करेंगे और जो नहीं कर सकते वो बोलेंगे नहीं। हमने अगर कहा है कि हम ये व्यवस्था देंगे, हम यहाँ के छोटे व्यापारियों के लिए काम करेंगे जिनको उजाड़ा गया है, जिनको 5-10 साल से बुलडोजर दिखाया गया है, जिनको बसाने के बजाय यहाँ पे उजाड़ा गया और उनका जिन लोगों को पक्के यहाँ पे किराए पर दुकानें थी उनका किराया कई गुना बढ़ा दिया गया है। जो 100-200 रुपये किराया था वह जो है कई हज़ारों में किराया लिया जा रहा है। तो उनके किराए की वापसी होगी, वहीं पर ले जाया जाएगा जो किराया पुराना था, पुराने किराए की व्यवस्था की जाएगी, बढ़ी किराया जो है वो वापस लिया जाएगा। और जो हमारे पटरी घूमती वाले लोग हैं जिनको हम अभी बसा नहीं पाए हैं उनको बसाने के लिए पक्की दुकान में देने के लिए काम किया जाएगा और जिनको पक्की दुकान जब तक नहीं दे पाते हैं तब तक उनके लिए तात्कालिक व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रशासन उनके साथ कोई गड़बड़ी न कर पाए, उनके रोजी रोटी पर कोई प्रश्न ना पाए, उनकी रोजी रोटी पर कोई दिक्कत ना दे पाए। संदीप शुक्ला ने अपने तमाम वादे किए और उन्हें पूरा करने की बात भी कही। वहीं ये भी कहा कि जिन लोगों को उजाड़ा गया है संदीप उन्हें बसाएंगे। इसके अलावा संदीप शुक्ला ने यहाँ तमाम खामियों की भी बात की, जहाँ संदीप ने सीवर सिस्टम से लेकर हरियाली तक को मुद्दा बना डाला और इन सब पर काम करने की बात भी कही। बहरहाल चुनाव बस चंद दिनों में होने ही वाले हैं। अब किसकी पाली में कितने वोट्स जाएंगे या फिर जनता किसे अपना नगर पालिका अध्यक्ष चुनेगी, ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।